using anti-spyware software. तो anti-spyware software को बताने के पहले मैं आपको एक important information बता दूँ. पहली information है कि मैं अपने चैनल पे रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं हमारे सितंबर से, इसलिए मैं नहीं डाल पाऊंगा. मैं कोशिश करूंगी सितंबर को ही डाल पाऊँ, नहीं सितंबर को नहीं, संडे को डाल पाऊँ. ठीक है, तो संडे को मैं डालूंगा कि जैसे आज भी संडे है तो आज के दिन भी बनाई मैंने, क्योंकि वो बहुत एडिटिंग और वो सब का रहता है ना, तो मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर डाल पाऊँ. ठीक है, तो दूसरी इन्फॉर्मेशन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल. तीसरी इन्फॉर्मेशन, मेरी वीडियो देखने वाले 68.1 लोग नॉट सब्सक्राइब है और सब्सक्राइबर 30.0 है. तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को जरूर से सब्सक्राइब कर दें. जो मिलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फ्रेंड्स, एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर होता है कि हमारे लैपटॉप वो उसके खुद के अंदर टूल्स होते हैं, एंटी स्पाइवेयर के होते हैं कि जो हमारे लैपटॉप को प्रोटेक्ट करते हैं. उसका एग्जाम्पल है स्पाइवॉट. ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है उसका, उसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे हमारे लैपटॉप में डिजाइन प्रोग्राम डिजाइंड होता है, फिर प्रिवेंट होता है, डिटेक्ट करते हैं अनवांटेड स्पाइवेयर प्रोग्राम इंस्टॉलेशन एंड टू रिमूव दीज प्रोग्राम इफ इंस्टॉल्ड. डिटेक्शन पे मतलब कि मैं आपको सर समझा के बताता हूँ. स्पाइवेयर प्रोग्राम होते हैं कि वो सारे हमारे इंस्टॉलेशन और प्रोग्राम जो भी रिमूव होते हैं और इंस्टॉल्ड होते हैं वो सब देखते हैं, और अगर वो हो भी जाते हैं, हो अगर हमें करने होते हैं, तो वो सारे उसके रूल्स जो उसके अंदर होते हैं बेस्ड ऑन डाउनलोडेड होता है, और डेफिनेशन फाइल जो भी हम फाइल उसकी होती है वो एकदम परफेक्टली आइडेंटिफाई होती है करेंटली, और फिर वो एक्टिव हो जाता है स्पाइवेयर प्रोग्राम. तो बस यही होता है एंटी स्पाइवेयर. तो मैं आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि दिस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय स्पाइवेयर प्रोग्राम कैन बी मिसयूज्ड. स्पाइवेयर आर डिजाइन्ड इज इन सच अ वे दैट इट्स नॉट इजी टू रिमूव देम. एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल स्पाइवेयर. मैलिशियस वेब पेजेस आर द मेन सोर्स ऑफ स्पाइवेयर इंफेक्शन, हिंस वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर वी ओपन एनी वेबसाइट मस्ट बी टेक श्योर दैट आवर ब्राउजर सेटिंग्स आर सिक्योर. मतलब कि मैलिशियस का मतलब होता है कि हम कोई भी वेब पेजेस, एनी वेब पेजेस यूज करते हैं हम को यूज करने के लिए, और फिर अगर कोई हैक भी कर लेता है हमारे किसी को, तो वो इंफॉर्मेशन और वो सब हमारे लैपटॉप से एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर है तो वो निकालनी हार्ड हो जाती है. ठीक है, और जैसे उसमें ये हमारा वेब ब्राउजर भी सेफ होना चाहिए, पूरा अच्छे से सिक्योर होना चाहिए. ठीक है, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि अगर हमारा पासवर्ड जो है वो 6 करेक्टर का होगा तो जो हैकर होंगे वो बस 6 मिनट में ही तोड़ देंगे पासवर्ड. ठीक है, तो हमारा जो पासवर्ड वो 8 करेक्टर्स इन लेंथ हो और कॉम्बिनेशन होना चाहिए नंबर्स का, लेटर्स कैपिटल है नॉन कैपिटल दोनों का. ठीक है, और स्पेशल करेक्टर जैसे कि एट द रेट, और वो जो होती है ना शिफ्ट करके 1 2 3 पे क्लिक करते हैं वैसी स्पेशल कैरेक्टर्स करते हैं, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा उसको पासवर्ड को तोड़ने पे, शायद से तोड़ भी ना पाए. और जो गूगल क्रोम होता है ना बहुत मोर सिक्योर है, सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रोमाइज द सिस्टम एंड स्प्रेड द इंफेक्शन. तो मतलब कि गूगल क्रोम सिक्योर होता है ज्यादा. ठीक है, यही बस आज की वीडियो में इतना ही था. मिलता है अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.